बहुत अच्छा लग रहा है और हमेशा ही हम सब जब बप्पा के दरबार में आते हैं दर्शन करने तो सभी को बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आज पहली बार अंधेरी चा राजा के दर्शन करने आई हूँ, सो और ज़्यादा खुशी हो रही है और एक कहते हैं ना कि एकदम पीसफुल और बहुत ही ब्लेस्ड फील करते हैं हम, बिल्कुल वैसा लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं हमेशा जब भी भगवान से कुछ मांगती हूँ तो मैं हमेशा ये मांगती हूँ कि बस उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे और सबको अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ और यू नो हमेशा खुश रखे हम सबको। से क्या फैंस को और सबको ये कहना चाहूँगी, आप प्लीज़ यहाँ पर अगर मुंबई में हैं तो प्लीज़ यहाँ पर दर्शन करने आइए, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा एंड आप सभी को गणेश उत्सव की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं इतनी आर्डेंट फॉलोअर नहीं हूँ बिग बॉस की, सो लेट्स सी, अभी तो सीज़न शुरू जस्ट हुआ है, एक दिन हुआ है, सो लेट्स सी इस बार मैं देखती हूँ या नहीं देखती हूँ, आई रियली हैव नो आइडिया। आपको मैं बिग बॉस रिलेटेड अच्छे वो आपको स्पाइसी जवाब नहीं मिलेंगे मेरे से। बहुत अच्छा लग रहा है और हमेशा ही हम सब जब बप्पा के दरबार में आते हैं दर्शन करने तो सभी को बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आज पहली बार अंधेरी चा राजा के दर्शन करने आई हूँ, सो और ज़्यादा खुशी हो रही है और एक कहते हैं ना कि एकदम पीसफुल और बहुत ही ब्लेस्ड फील करते हैं हम, बिल्कुल वैसा लग रहा है।
ऐसा कुछ नहीं है, मैं हमेशा जब भी भगवान से कुछ मांगती हूँ तो मैं हमेशा ये मांगती हूँ कि बस उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे और सबको अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ और यू नो हमेशा खुश रखे हम सबको. से क्या फैंस को और सबको ये कहना चाहूँगी, आप प्लीज़ यहाँ पर अगर मुंबई में हैं तो प्लीज़ यहाँ पर दर्शन करने आइए, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा. एंड आप सभी को गणेश उत्सव की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं. मैं इतनी आर्डेंट फॉलोअर नहीं हूँ बिग बॉस की, सो लेट्स सी. अभी तो सीज़न शुरू जस्ट हुआ है, एक दिन हुआ है, सो लेट्स सी इस बार मैं देखती हूँ या नहीं देखती हूँ. आई रियली हैव नो आइडिया. आपको मैं बिग बॉस रिलेटेड अच्छे वो आपको स्पाइसी जवाब नहीं मिलेंगे मेरे से.